नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है महात्मा गांधी सेतु के न्यू वर्क अपडेट में। जी हाँ, बिल्कुल नया वाला जो गांधी सेतु जो पिचिंग हो गया है उसके ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ और मैं आप लोगों को हाजीपुर से लेकर के पटना तक लेकर के जाएंगे और एक एक पेयर का जो है तस्वीर दिखाएंगे और एक एक पेयर का बारीकी से अपडेट देंगे। अभी जो मैं खड़ा हूँ देख सकते हैं, और ये पिचिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो चुका है, मेरे को मक्खन के जैसा लग रहा है देखने के लिए। और बहुत जल्द जो है सो समझ लीजिए इसके ऊपर आप लोगों की गाड़ी दौड़ेगी। और कहाँ तक काम हुआ है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक नंबर का पाया है और एक नंबर पाया के से लेकर के आप लोगों को हम 46 नंबर पाया तक लेकर के जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और एक एक पेयर का जो है बारीकी से अपडेट देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के ऊपर जो है हम आए हैं गांधी सेतु का अपडेट देने के लिए। और ये मैं दो नंबर और दो नंबर पाया से लेकर के कहाँ तक इसका ढलाई का काम हुआ है, कहाँ तक इसका फिटिंग का काम हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में जानकारी देंगे। ये मैं तीन नंबर पाया जो है क्रॉस कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, एक नंबर पाया से लेकर के नौ नंबर पाया तक जो है ढलाई का काम हो चुका है। पाँच नंबर पाया तक जो है फिटिंग का काम है वो भी हो चुका है। छः नंबर का पाया मैं क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पर है यहाँ पर काम कर रहे हैं जो एक्सटेंशन पॉइंट है उसका यहाँ पर काम कर रहा है, पेयर का जो कनेक्टिविटी है उसका यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए एक्सटेंशन ज्वाइंट जो है किया जा रहा है, यहाँ पर एक्सटेंशन ज्वाइंट जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आठ नंबर का पाया है और आठ नंबर पाया से लेकर के कहाँ तक इसका ढलाई का काम हुआ है वो आप लोगों को हम दिखाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊं, इधर नौ नंबर पाया के पास मैं खड़ा हूं और सामने देख सकते हैं नौ नंबर का पाया है और नौ नंबर के पाया से लेकर के दस नंबर के पाया के बीच में सरियाबंदी का काम चल रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे सरियाबंदी का जो काम है नौ नंबर और दस नंबर के बीच में काम चल रहा है, आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ से नौ और दस के बीच में सरियाबंदी का काम चल रहा है। नौ नंबर पर ढलाई का काम हो गया है, तो क्या कर सकते हैं नौ और दस नंबर, नौ और दस के बीच में सरियाबंदी का काम चल रहा है और दस नंबर से लेकर के ग्यारह नंबर तक जो है ढलाई का भी काम हो चुका है और जो हैंड रेल जो फ्रेश पेपर है इसका ढलाई का काम जो है बचा हुआ है। फिर आप देख सकते हैं सामने का जो पेयर है वो ग्यारह नंबर है, ग्यारह नंबर में भी ढलाई हो चुका है, सिर्फ हैंड रेलिंग का ही काम बचा हुआ है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। थोड़ा सा आवाज़ आप लोगों को नहीं जा रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, तो साइड से जा रहा हूँ और हवा काफ़ी तेज है इसलिए जो साइड से जा रहा होगा थोड़ा सा एडजस्ट जरूर कर लीजिएगा। तेरह नंबर पाया के पास मैं आ चुका हूँ, तेरह नंबर के पाए भी मुझे देख लीजिए ढलाई का काम हो चुका है। तो इधर जो है ग्यारह नंबर से लेकर के तेरह नंबर के ढलाई का काम हो गया है, कहाँ तक ढलाई हुआ है आप लोगों को हम दिखाएंगे। सामने जो है चौदह नंबर का पाया हम काम कर रहा है, देख लीजिए यहाँ से चौदह नंबर पाया से लेकर के इस तरफ जा पक रहा है, इधर में ढलाई का काम नहीं हुआ है, इधर में सीटें बिछाने का जो काम है
वो यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से हो रहा है। लगभग हो चुका है, सीटें बिछाई जाएगी, इसके बाद इसमें सरियाबंदी किया जाएगा। मतलब 14 और 15 के बीच में ढलाई नहीं हुआ है, ये बात आप नोटिस कीजिएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा इधर घूम के दिखाऊँ, इधर में देख लीजिए 14 और इधर में देख लीजिए 15 नंबर, मतलब 14 और 15 के बीच में जो है ढलाई का काम नहीं हुआ है, और 15 और 16 के बीच में ढलाई का काम हो गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। 15 और 16 से लेकर के ढलाई का काम हो चुका है, खाली जो हैंड रेलिंग का काम है वही बचा हुआ है, जो कि आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। सामने का जो पाया है वो 16 नंबर का पाया मैं क्रॉस कर रहा हूँ, 16 नंबर का पाया मैं क्रॉस कर रहा हूँ, 16 नंबर की तरफ से देख लीजिए इधर में ढलाई का काम हो गया है, जो हैंड रेलिंग का काम है वही बचा हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। सामने जो पाया है वो 17 नंबर का पाया है, यहाँ पर देख लीजिए 17 नंबर लिखा हुआ है, और 17 नंबर से लेकर के 18 नंबर के बीच में जो क्रॉस रखने का काम है वो चल रहा है, आप देख सकते हैं। 17 और 18 के बीच में क्रॉस रखने का जो काम है वो चल रहा है, फाइनल स्टेज में है, इसके बाद सीटें बिछाई जाएगी। और ये देख लीजिए 18 नंबर का पाया मैं क्रॉस कर गया हूँ, 18 नंबर पाया से लेकर के 19 नंबर के पाया हुआ है, 19 नंबर का पाया मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और 19 नंबर के पाये में भी जो है सो क्रॉस करने का काम फाइनल स्टेज में है, ढलाई कर दिया जाएगा। 20 नंबर पाया के पास मैं आ चुका हूँ, 20 नंबर पाया के पास काम चल रहा है, क्योंकि देख सकते हैं क्रॉस रखने का काम चल रहा है, कुछ लोग जो है वर्कर होल्डिंग जो है वो कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं होल्डिंग का जो काम है वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। सामने का जो पाया है वो 21 नंबर का पाया है, देख लीजिए 21 नंबर के पाया के पास मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और 21 नंबर पाया से लेकर के 22 नंबर पाया के बीच में जो है क्रॉस रखने का काम अभी भी बचा हुआ है, बहुत सारा काम बचा हुआ है, देखने को तो मिल रहा है, लेकिन देखिए कब तक पूरा होता है। और मैं इधर दिखाऊँ 22 नंबर पाया मैं क्रॉस कर रहा हूँ, 22 नंबर के आगे में जो है ना क्रॉस रखा गया है और ना ही ढलाई हुआ है, देख सकते हैं 22 और 23 क्रॉस रखने का काम बचा हुआ, कोशिश कीजिएगा 22 नंबर से लेकर 23 नंबर, 22 नंबर से लेकर के कहाँ तक क्रॉस रखने का काम बचा हुआ है उसकी तस्वीर आप लोग देख लीजिए। 24 नंबर का पाया मैं क्रॉस कर रहा हूँ, 24 नंबर से पाया मैं रहा है। यहाँ पर जो है तो हैंड रेलिंग है उसकी ढलाई का काम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि आप क्लियर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। सामने का जो पाया आने वाला है 33 नंबर का पाया, जो कि देख लीजिए 33 नंबर का पाया ढलाई का काम हो चुका है, हैंड रेलिंग का काम है, ढलाई का
काम भी बचा हुआ है। इधर मैं आप लोगों को दिखाऊँ नीचे के साइड में, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर रुक करके दिखाऊँ। इधर में बार्ज लगा हुआ है, जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। एक कितना 41 नंबर से लेकर के 42 नंबर के बीच में जो ट्रस रखने का काम है वो बचा हुआ है, बिल्कुल आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर पाया क्रॉस करेंगे और उधर की तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। मैं पटना के साइड आने वाला हूँ, पहुँचने ही वाला हूँ समझ लीजिए। ये जो पाया आप लोग देख रहे हैं 42 नंबर का पाया, मैं सामने से क्रॉस कर रहा हूँ। ये देख लीजिए 42 नंबर की तरफ दिखा, इधर भी 42 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ से देख लीजिए 42 नंबर पाया से लेकर के इधर मैं दिखाऊँ मैं आप लोगों को 43 नंबर तक जो सीटें बिछाने का काम है वो यहाँ पर चल रहा है, देख सकते हैं। और ये देखिए 43 नंबर पाया मैं क्रॉस कर गया हूँ। 43 नंबर 43 नंबर के बीच में देख लीजिए यहाँ पर जो सीटें बिछाने का काम है वो यहाँ पर चल रहा है। अच्छा लगे तो 44 नंबर का पाया जो है समझ लीजिए क्रॉस कर रहा हूँ। और 44 नंबर पाया से देख लीजिए ढलाई का काम हो गया है, मतलब 40 से लेकर के 44 तक जो है किया गया है, सीटें बिछाने का काम हो गया है। और 44 नंबर से लेकर के 46 नंबर तक जो है ढलाई का देख लीजिए 46 नंबर का पाया मैं आ गया हूँ। इधर मैं पटना के साइड बिल्कुल देख लीजिए ये 46 नंबर का पाया मैं आ गया हूँ। और इधर मैं दिखाऊँ 46 नंबर पाया के पास देख लीजिए, इधर जब अवरोज रोड में जब स्टार्ट होगा यहाँ पर 46 नंबर जब एंड होगा तो यहाँ पर देख लीजिए सरियाबंदी का काम चल रहा है। 46 नंबर पाया इधर में है, जो कि मैं गाड़ी आ गया वो मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगा आप लोगों को। ये देख लीजिए 46 नंबर पाया के पास मैं खड़ा हूँ और 46 नंबर पाया से जो अप्रोच गांधी रोड, गांधी सेतु का जो अप्रोच रोड है उसका यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो कनेक्ट होगा इसके अंदर, उसके अंदर सरियाबंदी का काम यहाँ पर चल रहा है। लगभग फाइनल स्टेज में समझ लीजिए, 1 से 2 दिन के अंदर में इसको भी ढलाई कर दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सरियाबंदी का काम है वो यहाँ पर हो चुका है, 1 से 2 दिन के अंदर में इसको ढलाई का काम कर दिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं बिल्कुल। तो गांधी सेतु के पार हो चुके हैं और ये साइड आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जो है ना सबसे पहले दबा के रखिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं क्योंकि बारीकी से अपडेट देता हूँ, एक एक पेयर का बारीकी से देने में थोड़ा सा अलग मज़ा आता है, क्योंकि फिर तसफ़ी भी नहीं मिलता, संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ। क्योंकि अगर जब तक गांधी सेतु का पूरा अपडेट ना दे पाऊँ और एक ही वीडियो में पूरी तरह से अपडेट देने का मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को, फिर भी देखेंगे। और इधर गांधी सेतु का अप्रोच रोड में मैं आ चुका हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।